बिहार में अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का इफेक्ट दिखने लगा है। पिछले 6 महीने से बिहार के गांव-गांव की खाक छान रहे पीके ने बिहार में बड़ा धमाका किया है। पीके ने ये बात साबित कर दी है कि पीके जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसकी किस्मत चमक जाती है। अगर आप अब तक नहीं समझे हैं तो फिर ये रिपोर्ट आपके लिए है। दरअसल सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुए एमएलसी उपचुनाव में उनकी जन सुराज पार्टी से समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद ने जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 3,055 मत मिले हैं। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को 674 मतों से हराया है। आनंद के पिता केदार पांडे के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर अफाक अहमद है कौन है अफाक अहमद? अफाक अहमद पश्चिम चंपारण के बितिया शहर के रहने वाले हैं। वे जिले के आमना उर्दू हाई स्कूल में 35 वर्षों तक सेवा देने के बाद वीआरएस लेकर सेवानिवृत्त हुए थे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले अफाक अहमद ने बिहार में प्रशांत किशोर द्वारा शुरू किए गए जन सुराज अभियान में शुरुआती दिनों से अपना कांधा लगाया और आज भी प्रशांत किशोर की सोच और विजन के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चल रहे हैं। अफाक अहमद की इस जीत पर जन सुराज अभियान में खुशी की लहर है, वहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लिए अफाक की जीत एक बड़े झटके के समान मानी जा रही है। तो अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अफाक की जीत से पीके को उनकी मेहनत का फल जरूर मिल गया है।